हेलो एवरीवन, मैं सदा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं 3C रेसिपी बताने जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे 3C ये क्या है। 3C का मतलब मैं आपको बताती हूँ, चिकन चीजी कटलेट। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं ये जबरदस्त चीजी चिकन कटलेट। इसके लिए हमें चाहिए 1 बड़ा टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्ची 4, घी 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 2-3 प्याज चॉप कर लीजिएगा, हरी धनिया 2 कप अच्छी सी फ्रेश बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें कटलेट बनाने के लिए। ये देखिए, मैंने 1/2 किलो चिकन लिया है बोनलेस, उसको ग्राइंड करके कीमा बना लिया है घर में, बहुत अच्छा बारीक हो गया है। अब जो सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी इसमें ऐड कर दीजिए। ये न्यू ईयर का पहला दिन है, ये न्यू ईयर की स्पेशल रेसिपी 3C यानी कि चीजी चिकन कटलेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये न्यू ईयर अपनी पार्टी को एक किक दीजिए इस स्टार्टर से चिकन के। तो अच्छे से मिलाइए और हरी धनिया ऊपर से डालेंगे हम, जो हमने ऑलरेडी कट करके रखी हुई थी। अच्छी तरीके से मिलाइए। घी मैंने यहाँ नॉर्मल लिया है, आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हो। ये थोड़ा घी जो है बाइंडिंग का काम अच्छे से करता है, जिससे हमारे कटलेट जो है टूटेंगे नहीं। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई। अपनी पार्टी एंजॉय करिए, पहला दिन एंजॉय करिए और आपका साल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो, ऐसा रिजोल्यूशन बनाइए। तो हमारा मिक्सचर एकदम से मिक्स कर लिया है हम लोगों ने, इसको फ्रिज में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। जैसे ये सेट हो जाए तो हम जो है ग्रेटेड चीज़ लेंगे, और थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है कटलेट बनाने के लिए, और हमारा मिक्सचर है। अब हाथों में अच्छे से तेल लगा लीजिए। आपने आलू का पराठा तो जरूर बनाया होगा, तो जिस तरीके से आलू का पराठा बनाते हैं ना, अंदर से फिलिंग आलू की भरते हैं, तो इसमें हमें फिलिंग चीज की भरनी है। आराम से धीरे धीरे हम कवर कर देंगे अपनी चीज को चिकन के रैप से। हल्के हाथों से तेल लगा लगा के प्रेस करिए, जिससे कि हमारा कटलेट जो है वो टूटे ना और हमारा चीज बाहर ना आए। ये देखिए, आप बहुत अच्छे से हमारा कटलेट बन गया है। इसी तरीके से हम सारे कटलेट्स बना लीजिए। वैसे मैं बता दूँ, ये मिक्सचर जो है आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके खा सकते हो। वैसे मैं ये ज़्यादा लंबा स्टोरेज का सजेस्ट नहीं करती, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर आर हेल्थ। जी हाँ, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो कटलेट हमारे बन गए थे उसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था 1/2 घंटा। जब ये 1/2 घंटे हो गए तो थोड़ा तेल लेकर अच्छे से शैलो फ्राई कर लीजिए। धीमी आंच पर फ्राई करिएगा, जिससे अंदर का हमारा चीज़ भी मेल्ट हो जाए और हमारा चिकन जो है वो भी अच्छी तरीके से पक जाए। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है।
अगर ये न्यू ईयर में आपके गेस्ट आने वाले हैं तो नए साल में नए तरह की रेसिपी अपने गेस्ट को खिलाइए, खुश करिए और अपनी पार्टी को एक नई किक दीजिए, एक नया इंजॉयमेंट लाइए अपने खाने में, एक नया तरीका लाइए नई रेसिपी के साथ। तो इस नए साल में इस नई 3C रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको क्या, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़बरदस्त लगने ही वाली है, क्योंकि चिकन और चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। खाइए खिलाइए, लेकिन मेरे चैनल देखता किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुंचे। एक बार फिर से बहुत सारी विशेज, हैप्पी न्यू ईयर।